जय मसीह की। मैं पास्टर आकाशदीप शर्मा आपके लिए एक बार फिर से क्रिश्चियन विजनरी रेडियो पर एक और सुंदर गवाही लेकर आया हूँ। तो आइए मैं आपकी मुलाकात लाइल एंड शाइन क्वार्टर से कराता हूँ, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। आपका स्वागत है, बहुत ही खुशी है। पास्टर शाइन एक कलीसिया के पासवान है और उनकी कलीसिया में बहुत से लोग हैं। वो परमेश्वर के वचन को उनके साथ बांटते हैं, सिखाते हैं, सच्चे जीवित परमेश्वर की गवाही को बांटते हैं। और आज उनकी गवाही हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार का अनुग्रह किया। आमीन। सो आइए मैं आगे का समय पास्टर शाइन को देना चाहता हूँ और वो अपनी गवाही आपके साथ बांटे। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, साउथ इंडियन हूँ, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत बड़ा काम किया है। और मैं केवल इस बात को मेरे अंदर ही रखना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में कैसे काम किया, उसके द्वारा मुझे कैसे परमेश्वर का जो प्यार और उसके सामर्थ्य को महसूस करने के लिए मौका मिला। जबकि मेरी मम्मा एक अस्थमा पेशेंट थी, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, नियर अबाउट 15 साल से इस बीमारी में वो पीड़ित थी। क्योंकि मेरे मम्मा एक एथलेटिक रह चुकी है और मम्मा ने बहुत नेशनल गेम खेले, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन रह चुकी। जब उनका शादी हुआ और मम्मा कह रही थी कि बेटा मैंने तेरे को जब डिलीवरी किया तब से मेरे को अस्थमा अटैक हुआ, क्योंकि मम्मा का बिल्कुल स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया। और वहाँ से मम्मा बहुत सफ़र किया, मैंने मेरे लाइफ में मेरे मम्मा को देखा है कि मम्मा 6 महीने हॉस्पिटल और 6 महीने घर में रहती थी। हालांकि मेरे पापा का कपड़े का शॉप था और पापा सेविका में भी थे, अब जितना भी कमाते थे हम पूरे हॉस्पिटल में पैसे डालते थे। और ऐसे परिस्थिति में हम सोचते, प्रभु तू तो महान है, तू मेरे मम्मा को ठीक कर सकते, लेकिन हमने कभी भी विश्वास छोड़ा नहीं। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ, मेरी मम्मा बहुत सीवियर अस्थमा अटैक हुआ और मम्मा का इतना सीवियर हो गया कि मम्मा रात के 3 बजे मम्मा का पूर्ण डेड हो गया बॉडी, और मम्मा मर गई हमारे सामने सामने। लेकिन हमारे अंदर ऐसे विश्वास था कि मरे हुए लाजर को यीशु मसीह 4 दिन में जिंदा कर सकता है, तो मेरी माँ को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि हमने वचन में देखते थे हम, और हम विश्वास करने लग गए। और ऐसे हो गया कि हम प्रार्थना करने लगे घुटनों में आकर, और पापा को भी परमेश्वर की आवाज़ आई, और ये आवाज़ आई कि जैसे आदम को, जैसे मैंने जीवन का सांस फूंका है वैसे तू सांस फूंक। और पापा मम्मी को सांस दे रहे थे और करीब 45 मिनट्स, 1 घंटा करीब हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमने बोला नहीं पापा फिर तुम सांस दो, कुछ ना कुछ होगा, मम्मा जिंदा हो जाएगी। और हम सब मम्मी हाथ पैर हम घस रहे थे, मम्मी के गर्म कर रहे थे, शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था शरीर। अड़ोस पड़ोस के लोग आ गए थे, सबने देख लेते मर गई है, उसको ढक दो। लेकिन हमारा विश्वास था, मम्मी के फ्रेंड भी आकर अड़ोस पड़ोस की आकर बैठ गई थी। और ऐसे हो गया कि मम्मा का सांस एकदम से बाहर आने लग गया हवा, तो हमने सोचा शायद हवा भरा हो बाहर आ रहा हो, लेकिन वहाँ से मम्मा का सांस आ गया। 5 मिनट के बाद मम्मा कोमा से बाहर आई और मम्मा ने बोला कि मुझे क्या तुम मरने दो रहे क्या? तो पापा ने बोला नहीं, आपसे तो नहीं मरेगी, आपसे तो जिंदा रहेगी और परमेश्वर की महिमा करेगी। और उस दिन से मम्मा का पूर्ण अस्थमा जो है कम्प्लीट हील हो गया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे काम किया, वहाँ से मेरे अंदर आया, मेरी मम्मी जो मर गई थी उसको प्रभु ने फिर से जिंदा किया। तो मुझे कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करना है, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, आज से मेरे जीवन में पूर्ण से तुझे देता हूँ पिता, और तेरा सेवा करूँगा बोल के मेरे अंदर जुनून था। लेकिन एक जगह में मैं सोचता था कि मेरे परिवार को कौन सहारा करेगा, क्योंकि हमने हमारे परिवार में बहुत कष्ट उठाए, बहुत परेशानी में हम गए हैं। तो हमने सोचा कि फाइनेंशियल हमें सपोर्ट करना चाहिए मेरे परिवार को, तो मुझे बाहर देश से जाकर काम करना चाहिए, ऐसे मेरे मन में था। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर हुई और एक दिन मेरे मामा हमारे घर में आए हुए थे, मेरे छोटे भाई को बता रहे थे जयपुर में, हाँ बेटा कुछ आकर वहाँ बाइबल कॉलेज कर, कुछ मिनिस्ट्री कर। लेकिन परमेश्वर मैं से बात करता था जब मैं लैब टेक्नीशियन था और मैं जॉब कर हॉस्पिटल से मैं घर आया हुआ था, थका हुआ था, लेकिन परमेश्वर मुझसे ये बातें कर रहा था कि तू जाएगा। और मैंने मेरे मामा से बोला कि मामा मैं जयपुर आना चाहता हूँ, राजस्थान आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, मैं तो तेरे को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं तेरे मम्मी से कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ कि तू इधर काम कर रहा है, मम्मी को हेल्प कर, और तेरे को सचमुच प्रभु का सेवा ही करना है, प्रभु का बुलाहट है, तो प्रार्थना कर, प्रभु तेरे रास्ता खोलेगा। और मैंने मम्मा पापा को बोला मैं तो मम्मा पापा मैं जयपुर जाऊँगा और मैं सेविका ही करूँगा। तो उन्होंने बोला बेटा अभी तू कैसे जाएगा, अभी तू जवान है, 19 साल का ही है, कैसे करेगा, क्या करेगा। मैंने बोला परमेश्वर मुझे बुलाया तो परमेश्वर मुझे हर चीज़ का प्रबंध करेगा। और मैं लैब टेक्नीशियन था उस समय, मेरे 1 महीने का सैलरी जो 2500 था वो मेरे पास था,
मैंने सोचा इससे मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, एटलीस्ट 1 महीना तो मैं सर्वाइव कर लूँगा और जॉब ढूंढ लूँगा, और जब तक तो मेरे लिए एक वो सहारा बन जाएगा। और मैं वो 2,500 लेकर निकला वहाँ से मुंबई, मुंबई से मैं जयपुर आ रहा था, लेकिन इतनी हमें परेशानी हो गई, टिकट वगैरह नहीं मिला, तो हम लोकल ट्रेन में बैठकर आ रहे थे। और मैं और मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए आए थे इधर, पापा ने बोल दिया कि बेटा हम यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं ट्रेन में, तो हम बस पकड़ लेते हैं। तो हम कोटा उतर गए, कोटा से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी, तो हम बस में बैठ गए। बस में मैंने सोचा मेरे पर्स मेरे पॉकेट से मैंने बैग में रख लिया था, तो मैंने मेरे से गलती हो गई, तो मैंने उस पर्स को मैंने बैग में रखा, शायद बैग में रखते समय किसी ने मेरा पर्स को देख लिया बैग में रखते, क्योंकि मैंने 500 रुपये के नोट आज भी याद है मेरे को, 5 नोट मैंने गिनकर पॉकेट में रखी और मैंने बैग के ऊपर रख दी थी। और मैं सो गया था क्योंकि हमें थकान हो गया था, ट्रेन में हम लोग सो नहीं पा रहे थे, बस में मैं सो गया। और जब मैं जयपुर उतरा तो मेरा पर्स चोरी हो गया था, और मैंने मेरा पर्स बैग से ढूंढने की कोशिश की, मैं सोचा चलो मैं नहा लेता हूँ, शैम्पू लेना, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मेरे मामा से जाकर मैंने बोला मामा मेरे पास जो पर्स था वो मेरा चोरी हो गया, मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है। तो मामा ने बोला बहुत अच्छी बात है, और इसमें अच्छी क्या बात है, तो बोला कि मैं बेटा जयपुर जब आया तो मैंने केवल 20 रुपये लेके आया था, तू खाली आता है प्रभु जरों को जीरो से हीरो जरूर बनाएगा, और इसी बात को मैंने विश्वास किया, प्रभु जरूर मुझे को हीरो बनाएगा प्रभु के लिए। और वहाँ से मैंने मेरी सेवकाई शुरुआत की, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हर एक पल में परमेश्वर मेरे को प्रबंध करते गया, मेरे पास पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, कंबल नहीं था ठंड में, ये गर्मी मेरे लिए नया था, राजस्थान मेरे लिए नया था, सब फूड मेरे लिए नया था, लैंग्वेज मेरे को आती नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे लिए परमेश्वर का प्यार था, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे परिवार में ऐसा काम किया था, मेरे मम्मा को जिंदा किया था, प्रभु कुछ ना कुछ मेरे लिए मेरे को आपके लिए करना है, इस तरह से मेरे अंदर एक जुनून था, और उसको लेकर मैं सेवकाई करते गया, जिस फील्ड में मैंने काम की, और ऐसे धीरे धीरे प्रभु का काम मेरे द्वारा होते गया, और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया। और हालांकि मेरा जो कैरियर था वो लैब टेक्नीशियन में था, लेकिन मेरा हॉबी म्यूजिक में था, और मैंने ये सोचा कि म्यूजिक टीचर का काम शायद मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऐसे मेरे अंदर डाउट था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अनुग्रह किया। भाई रवि मेरे से मिले और उन्होंने कहा कि यार क्यों नहीं तुम म्यूजिक टीचर के लिए जॉब ट्राई कर सकते हो, कि नहीं एक बार करके देखो। मैं रैन स्कूल में मैंने ट्राई किया और मेरे को जॉब मिल गई, और वहाँ से मेरे जीवन में प्रभु ने आशीष देते गया, मेरे सेवका में प्रभु ने मुझे आशीष किया। मेरे पास साइकिल भी नहीं था, लेकिन चर्च ने एक साइकिल प्रोवाइड किया था मिनिस्ट्री के लिए, साइकिल चलाकर मैं सेवका ही करता था, मालीनगर, मानसरोवर और जगतपुर, अलग अलग जगह में हम जाते थे, और सचमुच परमेश्वर ने इतना मेरे लिए काम किया, और मैंने हर एक पल परमेश्वर के अद्भुत काम को मेरे जीवन में देखा है। और मैंने सोचा ये सब ऐसे होते होते गया, मैंने सोचा कि मेरे को एक जीवन संगाती चाहिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मेरे को जो आपसे प्यार करने वाली और आपके पीछे चलने वाले ऐसे लड़की चाहिए पिता। लेकिन ऐसे मैं सोच ही रहा था, मम्मी ने बोला कि एक बार आओ लड़की तुम देखो, एक लड़की है, लेकिन मैं मेरे मन में सोच रहा था कि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, ना घर है, ना गाड़ी है, कुछ भी है, कैसे लड़की मिलेगा मेरे को, क्या होगा। लेकिन इतना विश्वास था कि मैं प्रभु का सेवा करूँगा, और प्रभु का सेवा करने वाले को प्रभु कुछ भी चीज़ की कमी नहीं करेगा। तो मैं मेरे गांव में चला गया लड़की देखने के लिए, और आज मैं मेरे पत्नी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। उसका नाम जुबीना कॉडरस है, और इस शादी के पीछे एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि गवाही हर एक पल हर एक समय हमारे जीवन में होती रहती है, हर दिन होती रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे शादी कैसे हुआ, और जब मैं शादी के लिए समय मेरा बहुत करीब आ रहा था, मेरे पास सच में कुछ भी पैसे नहीं थे, और मात्र रेंट के 3,000 रुपये मेरे पास पड़े थे, और मैं सोचा था प्रभु मेरे शादी कैसे होगा, कैसे क्या खाना है का, कैटरिंग का, डेकोरेशन का, कैसा कैसा प्रबंध होगा। लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में एक ही बारे में बताता रहता था कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, और मैं तेरे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और मैं यहाँ से राजस्थान से मैं साउथ चला गया, और मेरे पास सच में शादी का टाइम आ गया, मम्मी पापा सोच रहे थे मेरे पास पैसे होगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैंने जितना भी मेरा पैसे था वो सूट डेकोरेशन में, मेरा गाड़ी का डेकोरेशन में ख़त्म हो गए पैसे, और शादी के टाइम मेरे पास कुछ भी, वाकई में मेरे पास पैसे नहीं था। और मैं प्रभु से ही दुआ करता, प्रभु जो भी गिफ्ट आएगा पिता, कोई मेरे को कोई गिफ्ट ऐसे ना दें, लेकिन मुझे सब पैसे ही दें पिता,
ऐसा बोल के मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, और वाकई में वही चीज हो गया। मैं सच में देखा जाए तो जितने पैसे की मेरे को जरूरत थी सारे चीज कवर ही मिला, एक गिफ्ट भी मुझे मिला ही नहीं था, सारे कवर मिल गए। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, मेरे शादी के जितना भी खर्चा था वो सारे चीज देने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। और सच में परमेश्वर का मैं अद्भुत काम देख रहा हूँ मेरे जीवन में। और जैसे मेरे पत्नी को पता नहीं था इसके बारे में कि मैं कैसा परिस्थिति में जा रहा हूँ, जब मुझे ये बात पता चली कि इनके पास तो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं तो सचमुच में एक अंदर मेरे अंदर एक इमोशनल युद्ध चल रहा था कि प्रभु कैसे चलेगा, कैसे हर चीज का प्रबंध होगा। लेकिन मैंने इनको सामने नहीं दिखाया कि मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब ये काम पे चले गए सुबह, तो मैं अपने घुटनों पे आई और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं बड़ी आशा से यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और जब मैं घुटनों पे आई तो मुझे प्रभु की सिर्फ एक आवाज सुनाई दी कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। और इस बात को मैंने पकड़ लिया और सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया। सिर्फ एक ही महीने में, शादी के एक ही महीने में इनको एक अच्छी नौकरी मिल गई। और उस मैंने परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर जितना इनका एक्सपीरियंस है, जो एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है सैलरी बढ़ाने का, इतना तो उनको मिलना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु तू न्यायी परमेश्वर है और जो हमारा है तू हमें देगा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत रीति से रास्ता खोला। और जिस स्कूल में मैं हमेशा, जब हम मिनिस्ट्री के लिए जाते थे शाम को, तो मैं एक स्कूल का बिल्डिंग मेरे हस्बैंड को दिखाती थी और मैं बोलती थी कि अगर मैं किसी स्कूल में काम करूँगी जयपुर में, तो वो इसी स्कूल से शुरुआत करूँगी। और सचमुच परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उस स्कूल में मेरे लिए जॉब के लिए वहाँ पर एक रास्ता खोला और मैं उस स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाने लग गई। बिल्कुल, मेरे लिए परमेश्वर ने भी ऐसे अद्भुत काम किया, जबकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल पकड़ूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नया जॉब दिया और मेरी सचमुच सैलरी डबल हो गई और उससे भी बढ़कर परमेश्वर मुझे आशीष दिया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जिंदगी में नहीं सोचा कि ऐसे कभी इंक्रीमेंट हो सकता है, कि डबल से भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है क्या। परमेश्वर की जब सेवा करते हैं हम लोग, सारा चीज़ें प्रभु प्रबंध करता है, इसका परमेश्वर गवाह है मेरे जीवन में। और ऐसे हम आगे बढ़ते गए तो परमेश्वर ने मेरे लिए एक बेटा मुझे गिफ्ट परमेश्वर ने दिया और हम बहुत आनंदित और खुश थे। ऐसे हमने बेटे के 7 साल के बाद हमको एक प्रभु ने बेबी दी। और जब हमें ये बात पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो हम बहुत आनंदित हुए, क्योंकि हमारी प्रार्थना से ज्यादा ये हमारे बेटे की प्रार्थना थी कि उसको एक भाई या बहन चाहिए। और हर दिन हर रात वो मेरे पेट पे हाथ रखकर परमेश्वर से मांगता था कि यीशु मसीह मम्मी के पेट में एक बेबी सिस्टर डाल देना। और हम बहुत आनंदित हुए, लेकिन इस आनंद को हम बहुत समय तक मना नहीं पाए, क्योंकि जब हम सोनोग्राफी के लिए गए थे, पहली बार गए थे, तो डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि एक मिस्ड अबॉर्शन है और हमें बोल दिया कि जो आपके वूम में जो बेबी है, जो सीड है, वो करप्ट हो चुका है, इसलिए आप इस बेबी पे कोई भी आशा मत रखना, क्योंकि आपके आपका जो वूम है उसमें पूरी तरह से खून भरा हुआ है, खून जम गया है उसमें। और फिर वहाँ से हम बाहर आए और हम तीनों ने हाथ पकड़ कर एक साथ मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना की और हमने उस डॉक्टर की बात को कैंसिल किया। और हमने परमेश्वर की उस बात को पकड़ा कि बच्चे परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। जब हम बाहर आए तो मन काफ़ी उदास हो गया था इनका, तो मैंने ये बोला कि परमेश्वर हमारा साथ है, कोई भी चीज़ें हमें नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चे को परमेश्वर ने मुझे सपने के द्वारा दिखाया कि बिल्कुल वो बिल्कुल नॉर्मल है। और हमने वो सारे नेगेटिव बातों को, डॉक्टर ने जो कहा था उसको हमने कैंसिल किया और हमने कहा प्रभु तेरा वचन जीवन है और हमारे जुबान में जीवन है और सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, सब कुछ अच्छा करेगा। और हमने ये विश्वास किया और हमने प्रार्थना किया। डॉक्टर ने हमें कहा था कि तुम 10 दिन के बाद आना, हम 10 दिन नहीं 20 दिन के बाद हम वहाँ चले गए। तो जब हम वहाँ पे गए, डॉक्टर हमें देखे हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम वहाँ पे फिर से जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक मिस्ड अबॉर्शन है और इस बेबी पे आप कोई भी होप मत रखना। और उन्होंने करीब 15 मिनट लगा दिए हमें
टेस्ट कराने में और वो हैरान हो गए और उन्होंने मुझे बोला कि आपके वूम में बेबी है, आपके गर्भ में बेबी है, लेकिन एक जगह पे खून भी है और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मली वो अच्छे से बढ़ रहा है। और हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया और हम घर आए, लेकिन मेरा हेल्थ जो है वो बिगड़ता गया दिन बर दिन। मुझे हाइपर एसिडिटी रिफ्लक्स होने लगा, जहाँ पे मैं दिन में करीब 8-9 बार मुझे उल्टी होती थी और मैं एक खाने का निवाला भी नहीं खा सकती थी। और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान मैं कोई भी कैल्शियम या कोई भी आयन के टैबलेट्स तक ले पाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत बीमार थी, लेकिन इनको मीटिंग में जाना बहुत अनिवार्य था और ये चले गए। और मैंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तू जो करता है मेरे जीवन में तू अच्छा करेगा। और परमेश्वर की आवाज़ मुझे आई कि तुम्हारे पति के तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर एक परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकता हूँ। और ऐसे परमेश्वर का वचन जो भजन संगीता 34:1 में कहता है कि प्रेज द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, लेट हिज प्रेज बी कंटिन्यूसली इन योर माउथ। और लगातार मैं इस बात को, परमेश्वर इस बात को मेरे अंदर दोहराता रहा कि तुम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और ऐसे 7 महीने निकल गए और जब 7.5 महीने हुए और एक रात अचानक से ऐसा हुआ कि जो बेबी का मूवमेंट है वो अचानक से रुक गया। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जो जस्ट मिनिस्ट्री से आए ही थे, रात 11 बज गए थे, और मैंने बोला कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। और इन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया कि आप एक बार आ जाओ, हम चेक करेंगे। और ऐसे हम रात को करीब 11:30 तक हम हॉस्पिटल पहुँच गए। और हालांकि मैंने तो सोचा था कि एक फॉल्स पेन होगा, मतलब ये मेरे डिलीवरी का टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हुआ तो ये बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि सिर्फ 7.5 महीने हुए हैं। और ऐसे जब हम गए तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि ये नहीं, ये आपका डिलीवरी का टाइम है और ऑलरेडी बेबी के लिए समय हो चुका है। और डॉक्टर मेरे को ये बता रहे थे कि देखो बेटा, ये तो अभी क्या है कि हमें डिलीवरी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेन डिलीवरी का है और 7.5 महीना में है, प्रीमेच्योर बेबी है, कुछ भी हो सकता है, क्या तो रिस्क लेने के लिए तैयार है? तो मैंने बोला, मुझे इतना विश्वास था मेरा परमेश्वर मुझे कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने परमेश्वर को इतना करीबी से देख रखा था। और मैंने उनको डॉक्टर को बोला, आप चिंता मत करो डॉक्टर, आप अपना काम करो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ मार्ग खोलेगा। और उसी दौरान मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रात 1 बजे के करीब और उसने हमसे एक बात शेयर की। एक भाई है हमारे जो बैंगलोर में रहते हैं और वो एक प्रेयर वॉरियर हैं और एक गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में वो ऑपरेट करते हैं। प्रभु उनसे कई सपनों के द्वारा कई जनों के लिए बात करता है। हालांकि मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, ना ही वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन वो मेरे सिस्टर को पहचानते थे। और उन्होंने मेरे सिस्टर को मैसेज किया एक पहली रात, जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी उसके पहले रात मेरी सिस्टर को उन्होंने मैसेज किया और उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा सपना दिया है कि उस सपने में मैंने आपको देखा है और मैंने एक बच्चे को देखा है जो मैं सही से बता नहीं सकता कि वो उसका जन्म हुआ है या नहीं जन्म हुआ है। और इस रीति से वो बच्चा मेरे पेट के ऊपर है और वो बच्चा मुझसे कह रहा है कि मुझे जीवन की श्वास दो। और परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की और मैंने उसी समय उस बच्चे के लिए प्रार्थना की। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की मैं कि उस बच्चे में जीवन का श्वास फूंकूं। और जब मैंने जीवन का श्वास उस बच्चे को दिया तो वो बच्चा फिर से जीवित होने लगा। और सचमुच जब दूसरे दिन मैं लेबर वार्ड में थी और मेरे बेबी का हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा था, तो ये बातें हमें परमेश्वर दिखा रहा था कि ऑलरेडी उसने उन चीज़ों के लिए लोगों को खड़ा किया है, लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इस रीति से सुबह 8 बजे तक हमने देखा कि मेरा डिलीवरी नहीं हुआ और मैं बिल्कुल थक गई थी और मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी। और उसी समय डॉक्टर्स ने भी जब चेक किया, जब बेबी का हार्ट रेट बहुत फ्लक्चुएट होने लगा,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और वो मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए। जब वो मुझे सी सेक्शन के लिए लेके गए, जो मेरे सबसे बड़ा डर था मेरे जीवन का, मैंने अपने जीवन में कभी भी ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा था, सिर्फ मैंने मूवीज़ में देखा था। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे वो लोग लेके गए, मैंने ऑपरेशन थिएटर की चारों तरफ देखा और मैंने देखा कि बहुत सारे मशीनरीज रखे हैं, बहुत सारे वो टूल्स रखे हैं, इक्विपमेंट्स रखे हैं। और मैंने परमेश्वर से ऐसे कहा कि परमेश्वर, जो मेरा सबसे बड़ा डर था तो मुझे वहीं आना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे निरंतर उत्साहित करती रही। भजन संगीता 34:1, प्रेज द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, लेट हिज प्रेज बी कंटिन्यूअसली इन योर माउथ। और मैंने ऑपरेशन में उन्होंने मुझे इंजेक्शन देने से पहले मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज़ को जान गई हूँ कि तू मेरे लिए जो भी करेगा वह सबसे सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि तू एक अच्छा परमेश्वर है। और ऑपरेशन के दौरान मुझे डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और अपने साथी डॉक्टर से कह रहा था कि इतना ब्लैक यूटरस मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है। और मैं एक बात जान गई थी कि अगर मुझे उस सी सेक्शन में नहीं लेके जाते तो शायद ये बात डॉक्टर को पता नहीं चलती। और सचमुच परमेश्वर ने मुझे उस मौत के मुंह से मुझे और मेरे बच्चे को, दोनों को निकाला, और इस तरह मेरे बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो रोई नहीं थी, और इस प्रकार डॉक्टर ने बताया कि एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया तो वो उसी समय उसने रोई, वो उसी समय रो पड़ी। और क्योंकि उसको ये कह रहे थे कि मतलब ये बच्ची रोई नहीं है तो ये सही साइन नहीं है साइन, तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, रोई नहीं है। तो मैंने प्रार्थना की और मैंने बोला अभी रोएगी, जैसे मैंने बोला तो बच्चा रोने लग गया। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया यार, एकदम रोने लगी। तो मुझे पता था मेरे परमेश्वर बहुत सामर्थ्य और मेरे जीव में जीवन और मृत्यु है, मैं जीवन की बातें कहूँगा। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा 40 दिन, और हमने बोला चलो कोई बात नहीं डॉक्टर रख लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने एक अद्भुत, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, मात्र 9 दिन के अंदर ये घर आई है। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। और उसके बाद भी हमने सोचा कि चलो सब कुछ सही हो गया, लेकिन थोड़ा समय के बाद इसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ और इसको मोशन नहीं कर पा रही थी, ना ही इसको ये गैस पास कर पा रही थी, और इस तरह से इसका पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया। और हम इसको डॉक्टर्स के पास लेके गए, लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। और ऐसे एक सर्जन ने बताया इसको, इसको चेक करके सर्जन ने बताया कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो लोअर इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हमें वहाँ से उसको काट के इसके पेट के थ्रू एक ओपनिंग देना पड़ेगा, एक पाइप देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो मोशन पास करेगी। और कई महीनों तक, जब तक ये पूरी तरह से बढ़ नहीं जाती है, वैसा करना पड़ेगा। और ये सुनकर मैं बहुत दुखित हुई, लेकिन मैंने मेरी मम्मी मेरे साथ में थी और उन्होंने मुझे उत्साहित किया उस समय में। और हमने डॉक्टर के हर एक बात को, जैसे हम हर बार काटते हुए आए हैं, हमने उस बात को कैंसिल किया और हमने बोला कि परमेश्वर तू एक अच्छा परमेश्वर है, तो हर एक चीज़ को परफेक्टली बनाता है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाता है जो इम्परफेक्ट है। और हम उस बात को क्लेम करते रहे, लेकिन एक माँ होने के नाते, एक जो माँ का एक जो एक इमोशनल अटैचमेंट एक बच्चे के साथ जो होता है, घर आके मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी। और उसी समय परमेश्वर के दास, इनके जो मामा जी हैं हमारे घर पर, ऐसे आए हुए थे और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे उत्साहित किया। और पास्टर डॉल्फी उनका नाम है, और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, और हमने पूरी कलीसिया में और अलग अलग ग्रुप्स में प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजा और लोग हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। और उसी दौरान हमने कोई मेडिसिन तो चेंज नहीं किया था, वही मेडिसिन हम दे रहे थे, और हमने देखा कि मात्र सिर्फ 2 दिन में हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और जब हम दूसरी बार जब हम डॉक्टर्स के पास गए थे, तो डॉक्टर हमसे पूछने लगे कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए। और इस रीति से हमने अपने बच्चे के जीवन में हर स्टेप में परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को हमने महसूस किया है। और
हमने जाना है कि सचमुच हमारा परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को वो हमेशा विश्वास का फल हमें हमेशा देता है। सचमुच परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, जैसे हमने देखा मेरे जीवन के अंदर, मेरे बच्चे के जीवन में और मेरी मम्मा के जीवन में और मेरे जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत काम किया। आज इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और सच में प्रभु मृत्यु में से जी उठा सकता है, जो है ही नहीं है वो चीज़ को बना सकता है। और जो परमेश्वर, जो मैंने सोचा था कि मेरा कोई है ही नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त बनकर, मेरा पिता बनकर मेरे साथ हर एक पल में मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति आप जा रहे हो सकता है कि आपको कोई दिशा नहीं दिख रही हो, रास्ता नहीं दिख रहा हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग हूँ। जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ यीशु मसीह आपके लिए मार्ग खोल सकता है और वही आपको जीवन देगा, वही सच्चाई है, उसके बिना कोई है ही नहीं है। तो यीशु मसीह को विश्वास करके देखिए, परखिए और गहराई में उसको देखिए कि वो बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। मैंने परखा, मेरे परिवार ने परखा है और हम सच में यीशु मसीह को हम धन्यवाद कहते हैं। और आप भी परखिए, अद्भुत कार्य आपके जीवन में परमेश्वर करने वाला है। प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद। मैं प्रभु धन्यवाद करना चाहता हूँ इस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर ने मैंने गीत दिया, उस गाने को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये गाना हम लोग कंपोज कर पाए। प्रभु की महिमा हूँ।